पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर अब जर्नलिस्ट लामबंद होने लगे हैं और खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग तेज कर रहे हैं। इसी मकसद से मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर के प्रेसिडेंट अनिल रायल ने भी मोर्चा खोल दिया है और पत्रकारों के एक डेलीगेशन के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मेमोरेंडम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी से कहा गया है कि प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों और बीते दिनों पत्रकार रतन सिंह की निर्मम हत्या से प्रदेश ही नहीं देश भर के पत्रकारों में गुस्सा है। ऐसे हालत में आज मीडिया कर्मी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आइए सुनते हैं क्या कहना है अध्यक्ष अनिल रायल का। जो घटनाएं हो रही है, हर महीने पत्रकारों के साथ हत्या लूट की घटनाएं हो रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आज इसी के विरोध में मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर के सभी साथी यहां ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी को, जिनके माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। आप सभी जानते हैं अभी बलिया में रतन सिंह जी की हत्या कर दी गई, उससे पहले गाजियाबाद में एक पत्रकार की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपनी भांजी को गुंडों से बचाने के लिए डेढ़ महीने से प्रयासरत था। इसी तरह कानपुर के शेषमणि त्रिपाठी के साथ हत्या की गई। पूरे प्रदेश में जब मीडिया के साथ ये स्थिति है तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि आम जनता की स्थिति क्या होगी। अपनी बेटियां बचाने के लिए अगर पत्रकार पुलिस के पास जाता और डेढ़ महीने बाद उसकी हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के लिए सवाल है। प्रदेश सरकार को चिंता करनी चाहिए, प्रदेश सरकार को गंभीरता से करनी चाहिए। आज इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों ने शासन से मांग की है कि पत्रकारों के खिलाफ यदि पूरे प्रदेश में कहीं कोई अपराध दर्ज हो तो पहले उसकी एक राजपत्रित अधिकारी जांच करे, दोषी पत्रकार हो, गलत काम करता हो, अपराध में शामिल हो, उसके कोई संरक्षण नहीं। लेकिन अपने कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन करते समय कोई पत्रकारिता करता है तो बेईमान अफसर शाही उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख के अगर करेगी विरोध करेगी तो मुजफ्फरनगर की मीडिया सेंटर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेगी। आज आपके माध्यम से मैं जले की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जब मीडिया के साथ ये स्थिति है, अफसरशाही बेकाबू है, नियंत्रण से बाहर है, आम आदमी की सुनवाई नहीं है, तो पत्रकार ही है जो पुलिस के सिपाही के साथ सबसे पहले मौके पर जाकर आपकी पीड़ा सुनता है। आपके घर में हत्या लूट हो तो पत्रकार पुलिस के से पहले बहुत जगह पहुंचता है। आज समाज का भी दायित्व है यदि अपनी आवाज को उठा के रखना है तो इस बिरादरी की रक्षा के लिए पत्रकारों को साथ आना चाहिए। मैं पत्रकारों की ओर से पूरे समाज के जिम्मेदार लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आए और पत्रकारों की आवाज़ में जो सही पत्रकार है, जो पत्रकारिता के निष्पक्ष ईमानदारी से दायित्व के निर्वहन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों। और अगर पत्रकारों के साथ ये उत्पीड़न, ये गुंडागर्दी, हत्या जैसी वारदातें न रुकी, इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न हुई, जो पत्रकार मारे गए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपये का शासकीय अनुदान मिले, साथ ही उनके पत्रकारों के एक परिजन को आजीविका चलाने के लिए निश्चित रूप से एक नौकरी दी जानी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से निर्णय करेगी।